नमस्कार गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी मुख्यालय देहरादून में दिवाली पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान पार्टी मुख्यालय में दीपावली की विशेष पूजा अर्चना की गई है। वहीं पूजा अर्चना के बाद मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को दीपावली व धनतेरस की शुभकामनाएं भी दी। आतिशबाजी कर दीपोत्सव की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी लोगों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक बधाई देते हुए सभी के जीवन कल्याण की कामना की। मैं धनतेरस के अवसर पर को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज बहुत शुभ दिन है, आज आई पूजन हो रहा है, माँ लक्ष्मी की आराधना हो रही है और साथ का आज भगवान धनवंतरी का जन्म दिवस है। भगवान धनवंतरी की हम सब पर कृपा हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हर प्रकार से निरोगी काया हो। सुख में जहाँ धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, धन संचय की और धन की समृद्धि की कामना करते हैं, वहीं भगवान धनवंतरी से कामना करते हैं। भगवान हम पर आशीर्वाद बनाए और सभी को स्वस्थ रखें, क्योंकि सबसे बड़ा धन निरोगी काया भी है। इसलिए मैं आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबके माध्यम से सबको शुभकामनाएं। सभी समृद्धिशाली हो, समृद्ध हो, वैभव प्राप्त करें और स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर देश भर के 40 स्थानों पर 51,000 से ज्यादा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इन सभी अभ्यर्थियों का चयन अलग अलग विभागों में हुआ है। वहीं देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया के बैंक्वेट हॉल में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा व राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग किया है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने 255 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मेरा नाम सतीश राय है और मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरा सिलेक्शन एसएससी हेड कांस्टेबल में हुआ है, जो भारत सरकार मतलब इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। पहले हमें फिजिकल क्वालिफाइड करना पड़ा, उसके बाद रिटर्न एग्जाम था, उसके बाद मेडिकल, वो मतलब बहुत सारे प्रोसेस है, जिसके बाद हमें ये अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। मेरा नाम ऋषिका कल्याण है, मेरी जॉब SBI में लगी है, SBI डिपार्टमेंट ऑफ पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी है, बहुत ज्यादा मेहनत के बाद ये जॉब मिलने लगा। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, सोचा नहीं था कभी मैं यहाँ बैठती, कभी एग्जाम देने जाती थी इस टाइम पे, और आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो ये अमेजिंग फीलिंग है। मतलब सबको जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी कि ये अमेजिंग फीलिंग है, ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य का विषय है। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस देश के अंदर रोजगार प्राप्ति के लिए रोजगार मेलों के आयोजन के माध्यम से भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने बहुत सारे लोगों को जो रोजगार प्राप्त हो रहा है, और इस प्रकार से पूरे देश के आज के इस कार्यक्रम में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र और 40 स्थानों में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वर्चुअल हम सभी को बहुत मार्गदर्शन, हमारे आने वाले पीढ़ी जो अब देश की सेवा के लिए उतरी है, आई है, और उनको ये अवसर मिला है। और जिस प्रकार से विकसित भारत के संकल्प के लिए 2047 के लिए वो अपने लिए और देश के लिए काम करेंगे और नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे, ऐसे शुभ अवसर पर आज देहरादून में भी पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर लगभग 255 से अधिक लोगों को ये रोजगार उपलब्ध हो रहा है, और जो उत्तराखंड में भारत की सरकार के विभागों में काम करके उत्तराखंड राज्य के लोगों को अपनी सुविधाएं प्राप्त करेंगे और सरकार की दी जाने वाली योजनाओं का इंप्लीमेंट। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धर्मजीत रावत ने राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न विषयों के 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। बता दें कि हिंदी, रसायन विज्ञान, भूगोल, जंतु विज्ञान एवं राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों को
नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है एवं महिला छात्रावास एवं आईटी लैब सहित परीक्षा भवनों आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। उन सबने भी किया है क्योंकि आपकी सफलता में उन सबका भी बड़ा योगदान है, इसलिए ये दिन आपके लिए ये विशेष दिन है और आज से आप एक शिक्षक के रूप में राज्य के भविष्य निर्माता के रूप में अपनी सेवा देने वाले हैं और निश्चित रूप से आप अपना स्थान स्वयं समझ लीजिए कि आपका स्थान कहां से कहां हो गया। और सच में अभी तक तो क्या था कि आप लोग अपनी तैयारियां कर रहे होंगे, कोई अन्य काम कर रहे होंगे या प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब मेरे को नियुक्ति मिलेगी, कब मैं जिस काम के लिए जो मेरा उद्देश्य कब पूरा होगा। आपका एक पार्ट पूरा हो गया, एक पार्ट पूरा हो गया यानी कि नियुक्ति पत्र आज मिल जा रहे हैं, नियुक्ति भी हो जाएगी, लेकिन आज से आपका काम शुरू हो रहा है। सही में काम अब खत्म नहीं हुआ है कि नियुक्ति हो गई तो काम खत्म नहीं हुआ, अब काम शुरू हुआ है क्योंकि आज से आप लोगों ने अपने मन को, मस्तिष्क को, विचार को, अपने पूरे मनोरोग से ये सोचना है कि अब मैंने राज्य के लिए, देश के लिए उन कर्णधारों को तैयार करना है, उनको शिक्षा देनी है और उसमें मेरा किस प्रकार से योगदान हो सकता है। क्योंकि साथियों, अध्यापन कार्य कोई सामान्य कार्य नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये भगवान की कृपा से आप सब लोगों को ये सौभाग्य मिला है। विशेषकर उच्च शिक्षा जो है मानवीय संसाधनों को ये प्राप्तने का एक प्रमुख साधन है क्योंकि उच्च शिक्षा युवा शक्ति को सही दिशा देने का काम करती है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आप सबके जो आत्मविश्वास से भरे हुए चेहरों को देखकर मैं आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए न विद्यार्थियों की प्रतिभा और बुद्धि को निखारेंगे बल्कि अपना सर्वोत्तम देने का काम आप सब करेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में देश के लिए जो छात्र छात्राएं विद्यार्थी काम आए उनके निर्माण में आप सब अपना योगदान देंगे। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके साथ उनके अभिभावकगण भी आए हुए हैं और उनके चेहरों पर भी आज जो प्रसन्नता है वो यहाँ झलक रही है और उनके भी सपने पूरे हो रहे हैं। उन्होंने भी सोचा होगा बचपन से कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ाई करके, तैयारी करके अपनी मंजिल को प्राप्त करे और आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहे हैं और उनके भी सपने अब आपके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे थे, जब आप तैयारियां कर रहे थे तो किसी न किसी रूप में वो भी आपके साथ तैयारी कर रहे थे, उनका भी उतना ही योगदान है, योगदान उनका कम नहीं हो सकता है। क्योंकि मैंने इन सब परिस्थितियों को नजदीक से जिया है, नजदीक से देखा है। मैं भी एक सामान्य परिवार में ही, हम सभी लोग सामान्य परिवारों से यहाँ आकर काम कर रहे हैं तो इसको भली भांति मैं महसूस करता हूँ कि एक विद्यार्थी के साथ उसके पूरे परिवार की आशाएं और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, सपने जुड़े होते हैं। पहले प्रदेश के युवा बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते थे, तैयारी करते थे, माता पिता भी तैयारी करवाते थे, छोटा छोटा काम करते थे, घर में कोई सब्जी लगाता था, कोई फल लगाता था, कोई गाय पालता था, भैंस पालता था, दूध का काम करता था, चाय की दुकान, छोटी दुकान करके मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष हमारे गुरु जी डॉक्टर जीवन बसेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज दो शुभ दिन हैं।
पहला सूत्र यह है कि 108 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति दी जा रही है और आज धनतेरस की है। मेरे पास चार बार आप लोग आए कि मंत्री जी जल्दी आप हमको नौकरी दीजिए। मैंने कहा कोई अच्छा अवसर देती है उस दिन भी, तो आज बहुत अच्छा अवसर भी है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे देश में उच्च शिक्षा में 64% फैकल्टी है, चाहे विश्वविद्यालय हो चाहे हमारे अन्य राज्य हों। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 67% फैकल्टी है, बाकी एडॉप्ट लोग। मुख्यमंत्री जी हमारे राज्य में आपके निर्देशन में आज सहित 82% नियमित फैकल्टी हो गई और 19% गेस्ट फैकल्टी हो गया। हमारे राज्य में 101% फैकल्टी हो गया, 55 लोग अब ज्यादा हो गए। तो बड़ी बात यह है कि देश का चुनिंदे राज्य है जहां से 100% अब जो है उस शिक्षा में फैकल्टी होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी तब हमारे प्रदेश में 55 डिग्री कॉलेज जो है अपने भवन पे चलते थे। इन 7 वर्षों में हमारे 106 डिग्री कॉलेज अपने भवनों पे चल रहे हैं, यानी हमने 51 कॉलेजों को बिल्डिंग बना के तैयार की है। और इतना ही नहीं, 6 कॉलेज अभी निर्माणाधीन चल रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि 2-3 महीने में तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 5 नए कैंपस बने हैं हमारे, ये रिकॉर्ड है। जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से पहली बार 5 नए कैंपस बने हैं और पहली बार 26 नए डिग्री कॉलेज बने हैं, ये रिकॉर्ड है। अब शायद ही 1-2 ब्लॉक ऐसे छूटे जहां से अब डिग्री कॉलेज की कमी है, वो हमारे कारण नहीं छूटे, वहां जमीन की दिक्कत है या कुछ और दिक्कत है, वन विभाग की दिक्कत है। बाकी हमने 95 से 95 ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज भी बना दिए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ। इसके बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं। आप आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट कर उन्हें दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आवास जाकर शिष्टाचार भेंट की और उन्हें दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिफेंस कॉलोनी रोड स्थित गोरखपुर में स्थानीय राज बहेड़ पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सड़क नाली खंडजा बनाने वाले क्या जाने असली विकास क्या होता है। उन्होंने मौजूदा विधायक को विकास विरोधी बताते हुए कहा कि बीते दिनों किस्सा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धौराधाम पर आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे किस्सा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बहेड़ ने अपने एक बयान में कहा कि बीते 10 सालों में उक्त क्षेत्र में बीजेपी शासन में कोई विकास कार्य नहीं हुए। इस बयान को हवा हवाई बताया है। वहीं अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए किस्सा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस विधायक के बीते 2 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में भी बड़े काम नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सिर्फ सड़कें बनाकर वाहवाही लूटी जा रही है। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि उनके शासन में किस्सा विधानसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं, जिसमें अंतर्राज्यीय बस अड्डा, सेटेलाइट एम्स व डिग्री कॉलेज का निर्माण सहित कई नगर पालिकाओं की घोषणा के बड़े काम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच हमेशा विकास विरोधी रही है, जिसका खामियाजा विधानसभा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं खुद यात्रा हूँ। जब मैंने क्षेत्र के विधायक तिलकराज बहेड़ जी का एक बयान पढ़ा कि उन्होंने कहा वहाँ ढोराधाम में जाकर तो 10 साल वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, मुझे लगता है कि झूठ की भी कोई एक इंतहा होनी चाहिए, कोई उसकी लिमिट होनी चाहिए। एक शेर है कि सच घटे या बढ़े सच नहीं रहता, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो कोई इंतहा ही नहीं साहब, मतलब 2012 में जब मैं पहली बार विधायक बना तो डाम के अंदर एक भी सड़क खड़ंजा नहीं था, केवल कच्ची मिट्टी खड़ गई थी।
सरकार कांग्रेस की थी, मैंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, जब नहीं मिला पैसा तो मैंने विधायक निधि से पूरे डाम में लगभग 5 किलोमीटर सारी गलियां मिला करके मैंने खंजा डाला। और जब अगली बार जब मैं जीता 17 में जब सरकार मिली आई तो हमने डाम की सारी सड़कों पे डामरीकरण किया और जितनी लिंक थी घरों में जानने वाले उन्होंने ज्यादातर को सीसी किया। पहली बार ऐसा हुआ कि डाम में पानी की समस्या रहा करती थी, हमने दो दो बड़ी पानी की टंकियां जो है टैंक होते हैं वो बना करके और वहां घर घर पाइपलाइन बिछाने का काम किया। डाम के अंदर दो गुरु घर थे, उनने हमने सेवा की राजनीति से। और जो मंदिर थे वहाँ दो, आचार्य कॉलोनी में और दीवान पार्टी में, उन दोनों के मंदिरों पर भी लाखों रुपये खर्च किया, सच बनाए, पर्स बनाए, बिजली पहुंचाई, जितने भी काम हो सकते थे डाम के अंदर किए गए। जबकि डाम को बहुत उपेक्षित किया था इन लोगों ने, जब तक इनकी सरकार से मिनिस्टर थे, डाम को राजस्व गांव देने की मांग थी, मंत्री रहते उन्होंने कभी से नहीं चिंता की। और अभी भी जब डाम के लोग वहाँ पानी में डूब रहे थे तो मैंने प्रयास करके मैं वहाँ गया और वहाँ जाके मैंने अभी डाम का पानी थोड़ा कम कराया वहाँ, हालांकि उसमें कोई भारत सरकार मॉनिटरिंग करती है, एक लिमिट है जिससे नीचे नहीं कर सकते, बात चल रही है हमारी और कि और उसे कैसे और कम किया जाए। जब मैं विधायक था एक बार बाढ़ आ गई, बारिश आई थी, तो मैंने एक एक घर में जितना नुकसान हुआ था जब लोग डूब गए थे उस समय घर घर जाके 5 दिन लगे थे, एक एक घर का सर्वे करके मैंने वहाँ लोगों को ताजा दिलाने काम किया। मेरा कहना है कि इनका कोई सरोकार नहीं जनता से, ना जाते हैं ना आते हैं, अगर मैं ना जाऊँ तो जाते भी नहीं वहाँ। और जाके फिर झूठ बोलना रात दिन, मात्र 10 लाख रुपए विधायक निधि से कुछ दिए गए हैं वहाँ डाम में अब तक 3 साल में। अब जिला योजना में जो काम हम लोगों ने सेंक्शन कराया उसको भी कह रहे हैं हमने किया है, उसको जोड़ के 20-25 लाख रुपए कुल अभी तक 3 साल में उनका हो पाया हुआ। तो ये क्षेत्र उपेक्षित हो रहा है, जनता खुद पछता रही है, जनता को लग रहा है कि उससे भूल हुई है, क्योंकि मेरे समय में यहाँ अभूतपूर्व काम हुए। धनतेरस के मौके पर देहरादून के बाजार गुलजार रहे, पल्टन बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने साज सजावट के साथ ही दिए बर्तनों और ज्वेलरी आदि की जमकर खरीदारी की है। बता दें धनतेरस पर आभूषणों के साथ साथ नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, इसी के चलते बाजारों में खूब रौनक दिखी। धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व है, त्योहारी सीजन पर देहरादून के बाजारों में खरीदारी के लिए खासी भीड़ उमड़ रही है। धनतेरस के मौके पर सर्राफा बाजार में भी खूब रौनक लगी हुई है। वही व्यापारियों का कहना है कि आने वाले समय में व्यापार में और अधिक तेजी आने की उम्मीद है और ये कल या परसों तक देखा जाएगा। मेरा नाम विनोद कुमार कोहली है। आज धनतेरस का दिन है, बाजार में बड़ी रौनक लगी हुई है। हम भी बाजार में धनतेरस के त्योहार के उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं। आज लक्ष्मी गणेश जी का दिन है, सब लोग आज के दिन कोई ना कोई खरीदारी करते हैं, सोना चांदी खरीदे, बर्तन खरीदे, इस तरह की खरीदारी से लक्ष्मी जी का वास बढ़ता है, हर आदमी खरीदता है। और आज का दिन बड़ा अच्छा त्यौहार का दिन है, बहुत लोग यहाँ आए हुए हैं मेन पल्टन बाजार में। उत्तराखंड के खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।